झूम रहा मेरा मन हो के मगन, झूम रहा मेरा मन हो के मगन। वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन। शांति। आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 6/3/11 और अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/2/95 और आज की मुरली का हेडिंग बड़ा प्यारा है, अभी अभी शिव जयंती का महाभारी उत्सव, सभी ने मिलजुल करके एक दो के साथ सहयोग से बड़ी दिल से मनाया, खूब सभी ने सेवाएं की, पुण्य कमाया और अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाया। तो बाबा कहते हैं संगम युग जो है वो उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता, कौन से तीन देवता? हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबिली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने, इसलिए ये डायमंड उत्सव है। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और सबसे प्यारी जयंती है, क्योंकि हम सब की आत्माओं के परमपिता परमात्मा की जयंती है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की या देहधारियों की जयंती मनाते हैं, लेकिन यह तो शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है। स्वयं निराकार बिंदु रूप हमारे अपने बाबा की जयंती है। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती, एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की ही विचित्र जयंती है जो बाप अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो व ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो, सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती है, ब्राह्मण जयंती है, तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, ये विचित्र तो है ना। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन
एक साथ नहीं होगा। दिन चाहे एक हो लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने देखो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हो, विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो, अपनी जयंती मनाने या फिर बाप की जयंती मनाने या फिर दोनों की मनाने। तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको मुबारक देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो और बाप आपको क्या कहते हैं? पदम पदम गुणा मुबारक हो। तो सभी ने बाप के द्वारा 75वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक प्राप्त की। जी हाँ, सभी ने दिल से मुबारक प्राप्त की। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। देखो बाबा हमें अपना मूल्य बता रहे हैं। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहा है वह देख देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है, फिर ये निशानी है आप सबकी। सबके खुशनुमा चेहरे सारे विश्व में खुशियाँ लहरा रही हैं। हाँ, शिव जयंती पर हम सब बच्चों के चेहरे पर क्या है? हर्षित मुखता। एक एक बच्चा बाप की जयंती मनाकर कितना हर्षित मुख है। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना और बाप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। आज का वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सूर्यमुखी फूल क्या करता है? सदा ज्ञान सूर्य के साथ साथ घूमता रहता है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है आज का, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ों को क्रॉस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। हर पल ही होता है अब तो मिलन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन